तो आज मैं आई हूँ बैंगलोर पैलेस। तो अभी एक्चुअली मैं अंदर गई थी वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो मैं बाहर आने के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो एक्चुअली एंट्री है उस तरफ एंट्री होगा। तो एंट्री के बाद मैं आपको दिखाती हूँ बैंग पैलेस बाहर से कैसे दिखता है, ठीक है। पैलेस मतलब अंदर जाने के लिए एंट्री फी है 240 पर पर्सन। तो उसके बाद हम लोगों को अंदर जाने के बाद कुछ ऐसे टाइप का मतलब हाथ में पहनाते हैं। फिर अंदर जाने के बाद हम लोगों को मतलब उन्होंने मतलब पूछा गया, तो आपका लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो, तो हम लोग उड़ीसा से, तो हम लोग उड़िया बोलते, तो उन्होंने बोला कि उड़िया नहीं, इधर हिंदी और इंग्लिश। हम लोगों को पता नहीं था, कुछ ऑडियो मतलब सुनने के लिए वो दे रहे हैं मोबाइल और ईयरफोन। तो हम लोग अंदर गए थे, तो वो ऐसे वाला मोबाइल एक दिए हैं, मतलब अभी रिटर्न करेंगे जाते वक्त, तो और एक ईयरफोन दे के भेजे। और हम लोगों ने लैंग्वेज चूज़ किया हिंदी, अगर आपको इंग्लिश चूज़ करना है तो कर सकते हो, और हम लोगों ने हिंदी चूज़ किया। और अंदर जाते वक्त उन्होंने मना किया फ़ोटो वगैरह कैप्चर करने के लिए। तो चलो हमारा तो घूमना हो गया। और हाँ मतलब उसका मतलब हर एक स्टेज में तुम लोगों को मतलब एक नंबर में एक का नंबर डालना है और वो प्ले करना है। तो वहाँ में क्या क्या है क्या नहीं वो मतलब राजा का पूरा चीज़ वो पता चलेगा। मतलब अंदर पैलेस मतलब थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ, फिर बोलती हूँ क्या है क्या नहीं। सिपाही तमें आता सिपाही हाय अभी थोड़ी देर मतलब मैं फ़ोटो खींच ली, और आगे एक गार्डन है, मतलब वो वाला गार्डन है, वहाँ घूम के आ गई हूँ। तो और क्या एक्चुअली अंदर ये था कि हर एक स्टेट में मतलब वो नंबर डाल के रखे हैं, मतलब एक नंबर है तो आप मोबाइल में वो नंबर डालोगे और प्ले करोगे, तो उस जगह का हिस्ट्री वो आपको मतलब बताएंगे क्या है क्या नहीं। फिर मतलब रानी का एरिया, राजा का एरिया, और उनका जो मतलब न्यूज वगैरह सब कुछ मतलब हम लोग देखे, बहुत मतलब अच्छा है। मतलब वो म्यूजिक डाल के मतलब लगेगा कि मतलब आप रियल में मतलब कुछ राजाओं का जैसे मतलब म्यूजिक बजता है वैसे ही शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि मतलब क्या चल रहा है। अच्छा लगा, मतलब यहाँ पर आके घूमने के लिए अच्छा लगा। आप आ सकते हो, घूम सकते हो, मतलब टाइम लेके आना, क्योंकि अच्छे से अगर देखना है, क्योंकि एक एक ऑडियो एक एक जगह में, क्योंकि 20 आसपास ऑडियो है, एक एक ऑडियो ऑलमोस्ट 2 से लेके 5 मिनट तक है, तो आके घूम के जाना, ठीक है। हमारा मतलब यहाँ पे घूमना, फ़ोटो खींचना सब हो गया। तो मतलब मुझे यहाँ पे आने के लिए मेरे लोकेशन से मतलब 12 किलोमीटर दिखा रहा था, और अगर यहाँ पे ओला उबेर और रैपिडो करोगे तो फिर पता नहीं लोग सबके साथ होता है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ हमेशा होता रहता है। मतलब मैं उनको वेट करते रहती हूँ, वो कब आते हैं उसका कुछ पता नहीं होता है, और कभी कभी बुकिंग भी नहीं होता है, और कभी कभी वो बुकिंग होने के बाद वो घूमता रहता है, ठीक है। तो वेट करते रहो, उससे अच्छा है आधा रास्ता चल के चले जाओ, ठीक है। तो मैं मतलब आई आधा रास्ता बस में और आधा रास्ता रैपिडो में। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो आके यहाँ पे घूम के चलना, आपको अच्छा लगेगा। और बैंगलोर के बारे में मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी क्या है क्या नहीं। तो अभी के लिए ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, टाटा बाय बाय। हाँ ये वीडियो बहुत छोटा सा है पता है, लेकिन ओके ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बाय।